आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। मैनहट्टन का एक फेमस पॉलिटिशियन अपने ही होटल के एक वीआईपी गेस्ट से प्यार कर बैठा, पर वो उस लड़की की असलियत से अनजान था। क्या लड़की के चक्कर में उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? कहानी की शुरुआत मरीसा नाम की एक औरत के साथ होती है। वो एक सिंगल मदर है, उसका एक बेटा है जिसका नाम टाई है। टाई के पिता उनसे अलग रहते हैं। मरीसा बहुत मेहनत करती है, दिन रात काम करती है ताकि वो और उसका बेटा खुश रह सकें। मरीसा एक बड़े होटल में काम करती है, वहाँ बहुत अमीर लोग आते जाते रहते हैं। मरीसा वहाँ हाउसकीपिंग का काम करती है। वो अपने काम में बहुत अच्छी है, इसलिए सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ मरीसा की एक दोस्त है जिसका नाम स्टेफनी है, वो उसकी बहुत मदद किया करती है। एक दिन होटल में दो खास मेहमान आए, उनमें से एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम क्रिस्टोफर मार्शल था। दूसरी गेस्ट एक औरत थी जिसका नाम कैरोलाइन लेन था, वो बहुत अमीर थी। कैरोलाइन ने मरीसा की मेहनत को इग्नोर कर दिया और उसे अपने लिए कुछ सामान लाने बाहर भेजा। ऑन ड्यूटी रहकर उसका जाना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी जाती है। शॉप पर उसे इग्नोर कर दिया गया क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक हाउसकीपर थी। मरीसा को बहुत गुस्सा आया। उसने उस औरत को समझाया कि वो दोनों सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और लोगों की मदद करना ही उनका काम है, तो उसे अपना काम ठीक से करना चाहिए। इसके बाद मरीसा को लंच ब्रेक में अपने बेटे के स्कूल जाना था क्योंकि टाई ने स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, लेकिन टाई स्टेज पर डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। मरीसा उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे खुश करने के लिए उसकी फेवरेट म्यूजिक सीडी उसे देती है। इसके बाद मरीसा को अपने काम पर वापस लौटना था। वो टाई को होटल में अपनी एक दोस्त के पास छोड़ गई। कैरोलाइन फिर से मरीसा से टकराई और उसे कहा कि उसने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, लेकिन अब वो उन्हें पहनना नहीं चाहती, तो वो उन्हें रिटर्न कर दे। बिजी होने के बावजूद मरीसा उसका काम करने के लिए मजबूर थी। दोनों कैरोलाइन के रूम में जाते हैं। स्टेफनी कैरोलाइन की चीजें ट्राई करने लगती है, तभी उसकी नजर कैरोलाइन के कपड़ों पर पड़ती है जिसे उसे रिटर्न करना है। उसने मरीसा को कहा कि कपड़े बहुत अच्छे हैं और शूज भी उसी के ही नाप के हैं, क्यों ना वो एक बार इन्हें पहनकर ट्राई करे। मरीसा ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन स्टेफनी ने उसे बहुत फोर्स किया कि कुछ पल की खुशी लेने में हर्ज ही क्या है। स्टेफनी ने मरीसा को कपड़े पहनने के लिए बहुत कहा। वहीं दूसरी तरफ टाई बोर हो गया था, इसलिए वो होटल में घूमने लगा। लिफ्ट में उसकी मुलाकात क्रिस्टोफर मार्शल से हुई। टाई उसे पॉलिटिशियन के रूप में पहले से ही पसंद करता है। क्रिस्टोफर ने टाई से बात की। टाई बहुत होशियार बच्चा था, इसे क्रिस्टोफर को वो फौरन पसंद आ गया। क्रिस्टोफर ने टाई को साथ में पार्क चलने के लिए कहा। टाई जाना चाहता था, लेकिन पहले वो अपनी माँ से पूछना चाहता था। मरीसा ने आखिरकार स्टेफनी की बात मान ली और कपड़े पहन लिए। तभी टाई और क्रिस्टोफर वहाँ आ गए। क्रिस्टोफर को मरीसा एक नजर में ही पसंद आ गई। ना चाहते हुए भी मरीसा को कैरोलाइन बनने का नाटक करना पड़ा और एक वीआईपी गेस्ट के सामने अपने बेटे की बात उसे माननी पड़ी। फिर वो लोग साथ में पार्क गए। मरीसा ने टाई के साथ आज स्कूल में जो हुआ उसके बारे में उसने क्रिस्टोफर को बताया, पर फिलहाल वो ये देखकर खुश है कि उसका बेटा भी खुश है। क्रिस्टोफर ने उसकी मदद करने का सोचा। उसने टाई को बताया कि जब भी वो स्पीच देने जाता है तो उसे बहुत डर लगता है, तो वो अपना डर मिटाने के लिए अपने हाथों में कुछ क्लिप्स रख लेता है और वो क्लिप्स उसकी सारी बुरी एनर्जी को खींच लेती है और उसी वजह से वो एक अच्छी स्पीच दे पाता है। टाई ने पेपर क्लिप को एक तावीज की तरह समझा और कुछ क्लिप्स अपने पास रख लिए। सब लोग पार्क में पेंगुइन देखने गए। उन्होंने ऐसे साथ में वक्त गुजारा जैसे एक परिवार हो। क्रिस्टोफर ने मरीसा को एक चैरिटी इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया। मरीसा ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि वो और झूठ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो असली कैरोलाइन नहीं है और उसे होटल में वापस लौटना था और इतने महंगे कपड़ों को उसे वापस लौटाना था, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। टाई ने क्रिस्टोफर को बाय कहा और दोनों वहाँ से चले गए। होटल पहुँचते ही उसने फौरन उन महंगे कपड़ों को बदल दिया और पार्क में जो भी हुआ उसने अपनी दोस्त को बताया। इसी अफरा तफरी के दौरान वहाँ पौला नाम की एक औरत आती है। उसने मरीसा को कहा कि बॉस ने उसे इमीडिएटली मिलने के लिए बुलाया है। मरीसा बहुत डर गई थी। उसे लगा कि आज जो भी कुछ हुआ है उसके बॉस को पता चल गया है और अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर आज मरीसा की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे असिस्टेंट मैनेजर की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। मरीसा की मेहनत को देखते हुए उसे ये मौका दिया गया है, वरना उसके लेवल पर काम करने वालों को ये मौका नहीं दिया जाता। उसे 6 हफ्ते के ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा और अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाएगा। उसके बॉस ने कहा कि जब किस्मत एक दरवाजा बंद करती है तो हमेशा दूसरा दरवाजा खोल देती है और यही वो तुम्हारा मौका है। दरअसल मरीसा की दोस्त स्टेफनी ने बिना बताए ही मरीसा का नाम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। इस बात से मरीसा और स्टेफनी में झगड़ा हो गया। मरीसा को अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, दरअसल वो दुनिया से बहुत डरती है। स्टेफनी ने मरीसा को समझाया
कि वो इस मौके को ना गवाए। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो नकली कैरोलाइन यानी मरीसा को बहुत पसंद करने लगा है। उसने होटल में मौजूद बटलर यानी कि लाइनर से कहा कि वो कैरोलाइन के कमरे में जाए और उसे कल साथ में लंच करने का इन्विटेशन दे। अगले दिन मरीसा को होटल में बहुत बड़ा झटका लगा। अखबार में उसकी और क्रिस की फोटो छपी थी। वो बहुत डर गई क्योंकि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन स्टेफनी ने उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टोफर को भी ये खबर मिली, लेकिन उसे इस खबर से कोई परेशानी नहीं है। उसकी सेक्रेटरी जेरी को लगता है कि क्रिस्टोफर की इमेज इस न्यूज से खराब हो जाएगी। इस बीच पता चलता है कि कैरोलाइन का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तभी किस्मत से क्रिस्टोफर की तरफ से उसे लंच का इनविटेशन मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। वो क्रिस्टोफर से मिलने के लिए फौरन तैयार हो गई। जब क्रिस्टोफर ने असली कैरोलाइन को देखा तो वो हैरान रह गया। ये वो कैरोलाइन थी ही नहीं जिसे वो जानता था, जिसे वो पार्क लेकर गया था। उसने लाइनर से पूछा और पता चला कि यही असली कैरोलाइन है जो वीआईपी सुइट में रह रही थी। लाइनर भी शायद हालात को समझ गया था क्योंकि उसी ने मरीसा को उस दिन वीआईपी सुइट में काम करने के लिए भेजा था। पर मरीसा एक अच्छी इंसान है और वो किसी परेशानी में ना पड़े इसलिए उसने उसकी मदद की। मरीसा जो उस वक्त उसी कमरे में काम कर रही थी, क्रिस्टोफर से मिलने से बचने लगी। लंच के बाद क्रिस ने जेरी से कहा कि वो पहली कैरोलाइन को डेट करना चाहता है। बात करते करते उसने मरीसा को देखा जो टाई के साथ कहीं जा रही थी। वो जल्दी से मरीसा के पास गया और उसे बताया कि आज लंच पर क्या हुआ था। मरीसा बहुत डर गई और झूठ बोल बैठी कि वो दूसरे होटल में चली गई है। वो नहीं चाहती थी कि न्यूज़पेपर की बात फैले, इसलिए वो वहां से चली गई। मरीसा को और झूठ ना बोलना पड़े इसलिए वो क्रिस्टोफर से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने लगी। लेकिन क्रिस हार नहीं मानने वाला था। वो मरीसा को और भी ज्यादा पसंद करने लगा। उसने जेरी से वादा किया कि वो चैरिटी पार्टी में जरूर जाएगा अगर जेरी मरीसा को किसी भी तरह उस पार्टी में ले आए। जेरी ने मरीसा को ढूंढने के लिए लाइनर से मदद मांगी। लाइनर को सब पता था। उसने मरीसा को खुशी से चैरिटी पार्टी में जाने को कहा और इस झूठ को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा। मरीसा के दोस्तों को भी पार्टी की खबर लग चुकी थी। उन्होंने मरीसा को प्यार में नहीं पड़ने को कहा और अपने नए काम पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद की, उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट की, उसके लिए फुटवेयर सेलेक्ट किया, यहाँ तक कि उसके लिए महंगी ज्वेलरी भी अरेंज की। फाइनली उन्होंने मरीसा को पार्टी में जाने के लिए तैयार कर ही दिया। पार्टी में क्रिस ने मरीसा स्वागत किया। वो बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल रियल लाइफ में भी ये ड्रेस 1950 में उस औरत ने पहनी थी जब वो सेनेटर से पार्टी में मिली थी। बिना वक्त गवाए क्रिस्टोफर मरीसा को डांस के लिए ले गया, लेकिन जब मरीसा क्रिस को सच बताने वाली थी तब क्रिस को किसी से मिलने के लिए जाना पड़ा। कैरोलाइन को ये सब कुछ देखकर जलन होने लगी। उसने मरीसा का पीछा किया। मरीसा कैरोलाइन का सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अपने पकड़े जाने का डर है। उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। कैरोलाइन उससे कुछ और कह पाती इससे पहले मरीसा फिर से भाग गई। बाहर क्रिस ने देखा कि मरीसा जा रही है। वो नहीं चाहता कि वो वहां से चली जाए, लेकिन मरीसा वहां रुकने से बहुत डरती है क्योंकि उसका सच क्रिस्टोफर का दिल तोड़ देगा और वो झूठ को और लंबा खींचना नहीं चाहती। क्रिस्टोफर रात उसके साथ बिताना चाहता है। अगली सुबह मरीसा चुपके से कमरे से चली गई और एक चिट्ठी छोड़ गई, लेकिन उसका राज छुप नहीं सका। कैरोलाइन ने उसे क्रिस्टोफर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। कैरोलाइन को बहुत गुस्सा आया कि मरीसा ने इतना महंगा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। यहाँ पर सबको पता चल गया कि उसने कैरोलाइन की पहचान चुराई है। उसने इस बारे में होटल मैनेजर और क्रिस से शिकायत की। कैरोलाइन बहुत गुस्से में थी। उसने मरीसा के सारे झूठ बता दिए। वो मौके का फायदा उठाकर क्रिस का दिल जीतना चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी क्रिस्टोफर को इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था। भले ही क्रिस्टोफर ने सच पर यकीन नहीं किया, लेकिन मरीसा को नौकरी से फिर भी निकाल दिया गया। इसके बाद लाइनर ने भी नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि हम जो करते हैं वो हमारा काम है, पर इससे ये तय नहीं होता कि हम किसी के नौकर हैं या किसी के गुलाम हैं। उसने मरीसा को समझाया कि जरूरी ये है कि गिरने के बाद हम कैसे उठते हैं। मरीसा अपने टूटे दिल के साथ वहां से चली गई। क्रिस्टोफर ने मरीसा को सच बताने को कहा। मरीसा और झूठ नहीं छुपा सकती थी। उसने सब कुछ बता दिया। वो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में एक दिन खुशी से जी सके, उसे नीची नजरों से ना देखा जाए क्योंकि उसे नौकर होने की वजह से लोग उसे बहुत निचले स्तर का समझते हैं। लेकिन सच्चाई को कितना भी नकारा जाए, ये साफ था कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते थे। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मरीसा के लिए आज का दिन सबसे बुरा था। क्रिस्टोफर फिर भी जानना चाहता है, क्या इतने दिनों में जो भी कुछ हुआ क्या उसमें कोई सच्चाई थी? उसने जवाब दिया कि वो सब कुछ सच था और वो वहाँ से चली गई। घर पहुँचने पर उसकी माँ ने उसे गले लगाने की बजाय डांटना शुरू किया। उसकी माँ को पहले से ही मरीसा की नौकरी जाने की खबर लग चुकी थी। माँ ने कहा कि ख्वाबों से उसे जागना चाहिए,
क्योंकि ख्वाबों से किराया नहीं दिया जाता और न ही पेट भरता है। उसकी माँ ने मरीसा को रिश्तेदारों के यहाँ जाकर काम करने को कहा, लेकिन मरीसा नहीं मानी। वो होटल में काम करती थी, लेकिन वो किसी की नौकर नहीं बनना चाहती, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहती है। इस घटना के बाद मरीसा हमेशा कैमरों की निगरानी में रहने लगी और जर्नलिस्ट का निशाना बनने लगी। ये देख क्रिस्टोफर भी चुप नहीं रहा। उसने मीडिया को बताया कि वो और मरीसा सिर्फ दोस्त हैं। वो किसी से भी दोस्ती करता है, चाहे वो किसी भी तबके से हो। वो नहीं चाहता कि उनके बीच का अंतर मजाक बन जाए। सब कुछ शांत होने लगा। क्रिस्टोफर सेनेटर बनने की तैयारी करने लगा। मरीसा दूसरे होटल में काम करके परिवार का खर्च चला रही थी। एक दिन टाई को अखबार में खबर मिली कि क्रिस उसी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जहां मरीसा अभी काम करती है। उस दिन टाई अपने स्कूल नहीं गया, बल्कि क्रिस्टोफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए होटल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सबके सामने क्रिस्टोफर से अपनी बात कहने लगा। टाई जानता था कि उसकी मां ने क्रिस्टोफर से झूठ बोला था और उसकी नजर में ये छोटी गलती नहीं थी, लेकिन ये मानते हुए कि परफेक्शन तो सिर्फ भगवान का होता है और गलतियां इंसानों की, उसने क्रिस से माफी मांगी और मरीसा को दूसरा मौका देने के लिए कहा। क्रिस खुशी से माफ करने और मरीसा को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो गया। अपनी बात कहने के लिए आज दोनों ने सेम पेपर क्लिप्स का इस्तेमाल किया था। टाई क्रिस को मरीसा से मिलवाने के लिए ले गया। सारे जर्नलिस्ट उनका पीछा करने लगे। सभी को नई खबर की तलाश थी। क्रिस्टोफर ने मरीसा से अपने प्यार का इजहार किया। भले ही दुनिया उनके खिलाफ हो, लेकिन वो मरीसा से बिना किसी शर्त के हमेशा प्यार करेगा। इससे मीडिया को झटका लगा, पर इससे मरीसा का परिवार और उसके दोस्त बेहद खुश थे। एक साल बाद क्रिस्टोफर को सेनेटर के रूप में चुना गया और मरीसा एक सक्सेसफुल होटल मैनेजर बन गई। उसने बाकी मेट्स के लिए मैनेजर बनने के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद वो दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगे। असलियत में ये कहानी स्टीवन क्लार्क रॉकेफेलर की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन रॉकेफेलर के बेटे थे। 1959 में स्टीवन ने एनी मैरी से शादी की, जो उनकी फैमिली के मैनहट्टन होटल में वेट्रेस थी, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी और फिर ये मुलाकात शादी में बदल गई। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।